हाँ भाई लोग देखिए, हम लोग आए थे सऊदी कमाने के लिए। हम लोग को इतनी पूरी तरीके से फंसा दिया गया है यहाँ पे सऊदी में लाके। यहाँ पे हम लोग आए थे जिस ऑफिस के द्वारा, मतलब एक एजेंट था हम लोग का, वो ऑफिस हम लोग का भाईकला में है, मुंबई में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप लोग को मालूम होगा कि मैं अभी ओमान में जॉब करता हूं और मैं हर फॉरवर्ड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों को बताता रहता हूं कौन सा एजेंट या कौन सा ऑफिस वाला लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है दोस्तों। और मैं आज बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऑफिस है बम्बई में, वो लोगों को सऊदी में कुछ लोग को वहाँ पर फंसा दिया है और उन लोग का कौन सा एजेंट है और ये लोग कौन सा ऑफिस से गए हैं और इन लोग का कौन सा काम में भेजा गया था, ये सब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए कि आप लोग को कम से कम मालूम चल सके कि ये ऑफिस वाला, ये एजेंट लोग कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और हम लोग जो सपना देखते हैं अपने इंडिया में रह के, हम लोग जो दिमाग में बैठाए रहते हैं कि हम लोग गल्फ जाएंगे, हम लोग का ऐसा काम मिलेगा, ऐसा रूम मिलेगा, वो यहाँ आने के बाद दोस्तों सब एक बाइक हम लोग का सपना टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम आप लोग को पूरा सबूत के साथ हम वीडियो बनाता हूँ। मैं बिना सबूत के साथ किसी भी एजेंट या किसी भी ऑफिस वाले के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जब सबूत रहेगा और मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऑफिस वाला मेरे पास कॉल करता है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई आपके खिलाफ जब मैं वीडियो बनाया हूँ तो मैं सबूत के साथ वीडियो बनाया हूँ, अब मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं सबूत मांगता हूँ फिर मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो पहले कुछ भाई लोग वहाँ पे फंसे हैं, पहले उनका ये आप लोग टोटल वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात आप लोग से करेंगे दोस्तों। 21 ऑफिस से गए हैं और इन लोग का कौन सा एजेंट है दोस्तों। ठीक है, पहले वीडियो आप लोग देखिए। हाँ भाई लोग देखिए, हम लोग आए थे सऊदी कमाने के लिए। हम लोग को इतनी पूरी तरीके से फंसा दिया गया है यहाँ पे सऊदी में लाके। यहाँ पे हम लोग आए थे जिस ऑफिस के द्वारा, मतलब एक एजेंट था हम लोग का, वो ऑफिस हम लोग का भाईकला में है मुंबई में, और उस ऑफिस का नाम है नाजिम ओवरसीज, और उसके फाउंडर हैं जो भी अब्दुल्ला भैया, और उनके द्वारा हम यहाँ सऊदी में लाए गए थे। वो बोले थे कि यहाँ पे पैकिंग का काम है, चलो वहाँ पे पैकिंग का काम करना है, वहाँ पे रहना है, तुम लोगों को काम करना है 3 महीने तक पैकिंग का। अगर कोई भी काम कराते हैं वो तो तुमको करना पड़ेगा, उसके बाद आपका लाइसेंस बनाएगा वो तो आपको डिलीवरी का काम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग भूखे रहते हैं, एक टाइम का खाना खाने को मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता है कभी। हम लोग से ना मिलने आया है, ना पैसा दिया हम लोग का कोई भी, ना यहाँ पे हम लोग का सऊदी मिलने आया आज तक, ना हम लोग का मुदीर आया, और हम लोग को जहाँ पे रखा था उस रूम से भी बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे लॉक कर दिया गया है, रूम भी नहीं खुला हुआ है, लॉक करके हम लोग को यहाँ का जो रूम मालिक है बाहर निकाल दिया। हम लोग बहुत बुरे तरीके से यहाँ फंसे हुए हैं। दो महीने का भाड़ा बाकी है और ये रूम का 2 महीने का भाड़ा बाकी है, भाड़ा नहीं दिया, बोलना भाड़ा दो तो अपना सामान निकाल। रूम का भाड़ा 3,000 रुपए बाकी है, आज तक हम यहाँ भाड़ा 1 रुपए नहीं दिया, बोल रहा था कि भाड़ा जमा है, इतना झूठ बोल के हम लोग को यहाँ पे फंसाया गया है। भाई लोग हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं यहाँ पे, एक एक टाइम का खाना नहीं मिलता हम लोगों को, एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। कपिल को फोन लगाते, कपिल फोन नहीं उठाता है, मुझे फोन नहीं उठा रहा है, उसके कार्यकर्ता लोग भी फोन नहीं उठा रहे, क्या किया जाएगा भाई। हमारे सुदानी है जो हम लोग के रूम के यहाँ पे रेख देख करते हैं, हम लोग को बाहर निकाल दिए हैं, ये सुदानी है, ये रूम से बाहर निकाल दिया है हम लोगों को, यही रूम था हम लोग का अंदर, ये भी ताला मार दिया है, लॉक कर दिया है आज। ये वीडियो आप देख लिए दोस्तों, ये वीडियो में इन लोग को बोला गया था कि हम आपको कंपनी में भेज रहे हैं और वहाँ पे आपको ड्राइवरी में, किसी को कंप्यूटर में, किसी को बाइक राइडर में, बाइक जॉब में, ऐसे इन लोग को भेजा गया था और इन लोग को बोला गया था कि आपको शुरुआती दौर में कम से कम 2 महीना या 3 महीना पैकिंग का काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग का ड्राइवरी का वीजा लग जाएगा, लेकिन इन लोग का साथ उल्टा हुआ दोस्तों। इन लोग का सबसे बड़ा फ्रॉड इनके साथ ये हुआ कि इनको सप्लायर में वहाँ पे डाल दिया गया है और ये लोग अभी तक, इन लोग का सप्लायर में डाला भी गया है तो इन लोग का अभी तक इन लोग को काम पे नहीं रखा गया है दोस्तों। और ये लोग जिस रूम में रहते थे उस रूम का मकान मालिक इन लोग का बाहर निकाल दिया है, वो बोला है कि इस रूम का किराया बहुत ज़्यादा दिन से बाकी है। और इन लोग का जो बुलाया था उसका नाम मुजीब है और वो केरला के रहने वाला है, वो एजेंट ही करता है दोस्तों सऊदी में रहकर, और वो वहाँ पे अपना ऐसे ही छोटा मोटा सप्लायर में जुट कर
काम करता है और इंडिया वीजा भेजता है फ्रॉड ऑफिस के पास और यहाँ से बंदे वहाँ पे मंगाता है और सप्लायर में डालता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सप्लायर में डालता भी है तो इन लोग का अभी तक काम नहीं मिला है। और वो जब इन लोग को वहाँ पे बुला लिया है ना, तो वहाँ से ये भाग गया है। और जब ये लोग वहाँ पे कॉल करते हैं, उसके पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मेरे भाई का या मेरे घर वाले या जो भी है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग का अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो वो कैसे धमका रहा है दोस्तों, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सुन लीजिए दोस्त। हेलो, मुझे बोल रहे हैं? हेलो, हाँ मुझे बोलता है, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जो एक बंदा आया है जिद्दा में, तो उसको आप काम पे क्यों नहीं लगा रहे? कौन है? मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो वो ये उसको मेरे को बंदा दिया था, बंदा को बात बात किया था। क्या हुआ? हेलो, कहाँ है भाई? फोन काट रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे क्या? मैं नहीं करना चाहते आपसे। क्यों भाई, आप काम पे नहीं लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? कौन है पहले ये बताओ। मैं कौन हूँ? मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो भाई भाई बोलते थे ना, जिस बंदों को कॉल किया था, मैं तो पागल बैठ रहा है, आपको एक बंदों को फोन कर रही है। अरे तो तुम बोलवा के बताओ यार, किसी दूसरे रूम पे नहीं ना काम चलेगा। आपको इसमें खेरा देना, अपना बंदा है, इसको मेरा उसमें भेजो, खत्म बात। किसमें भेजू? मेरा लैब, अपने लेबर कैंप है, मेरे सुपरवाइजर को मैंने बोल दिया था, फिर तो आप लोगों को बार बार कॉल करते तंग करता है, तो मेरे पास और आपका एक बंदा नहीं है। अरे एक बंदा नहीं है तो बोलो कहाँ तुम? मैं कुछ करूंगा, आप क्या करना करने को? मैंने ना, मेरे को कौन बंदा दिया, मैंने उसको साथ बात हो गई। पैसा लेने पहले चले गए ना, तुम ही हो ना मुझे? मैंने उसको मेरे पहले बात हो गई, खत्म बात। किससे बात? तो बार बार कॉल मत करना, मेरे को कौन बंदा दिया? सद्दाम ने दिया, मेरे सद्दाम को बात हो गई, खत्म बात। सद्दाम को बस, सद्दाम घर पे बैठा रखोगे तुम? तुम कौन है? मेरे को दोबारा फोन मत करना, आपको कोई चीज है तो आप सद्दाम के साथ ही बात करो। क्या बच्चा हो तुम? क्या तुम सद्दाम से क्या बात कर रहे हो तुम? और कोई भी हो, मैं सद्दाम पे कुछ भी करूंगा, तुम कौन है पूछने वाला? तू कौन है? ये वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, ये मुजीब का कॉल रिकॉर्डिंग था। ये एजेंट सऊदी में रहकर करता है, एजेंट ही का काम करता है, और ये वीजा दिया था किसी और का, जो बीच में दलाल रहता है उसका नाम सद्दाम है। आप कॉल रिकॉर्डिंग में सुने भी, वो सद्दाम को ये वीजा दिया था और सद्दाम किसी ऑफिस पर भेजा था, और इन लोग का यही धांधा चलता है दोस्तों। एक वीजा निकलेगा ना तो आपको जो वीजा मिलेगा ना, उसमें कम से कम दो या तीन दलाल मिल के आपसे पैसा ये लोग लूटते हैं। इसके लिए भी ऑफिस वाले भी बदनाम होते हैं। मैं ऑफिस वाले से भी बोलता हूँ कि आप लोग जिससे वीजा ले रहे हैं ना, तो पहले उसके बारे में आप लोग जान जाइए, क्या ये अच्छा वीजा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या ये कंपनी में काम करता है कि नहीं करता है। और बहुत से ऑफिस वाले को मालूम होता है कि हम सप्लायर में इसको भेज रहे हैं कि हम लोग इसको कंपनी में भेज रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऑफिस चलाते हैं 10 साल से 20 साल के, तो उन लोग का अनुभव होता है कि हम लोग बंदे को सप्लायर में भेज रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा गलती सप्लायर में भेजा गया है, वो जिस ऑफिस से ये लोग गए हैं, बंबई में ऑफिस है, उसका मैं यहाँ पे नाम भी लिख दूंगा, ये ऑफिस वाला का सबसे बड़ा गलती है दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इन लोग से 1,67,000 रुपया लिया गया है बंबई से सऊदी भेजने के लिए, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग किसी भी एजेंट के बातों में मत आइए। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, जब तक आप किसी ऑफिस पे या किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसोगे ना, तब तक आपको नहीं मालूम चलेगा। और मैं आप लोग को एक एजेंट का खासियत या ऑफिस वाले का खासियत बता रहा हूँ। मान जाइए आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखे और उसके पास कॉल किए, क्या सर मेरा जॉब लग जाएगा कि नहीं लगेगा, और जैसे ही आप इतना बोल दिए ना,
फिर उसके दो चार दिन के बाद आपके पास कॉल आएगा, बोला जाएगा ये वैकेंसी आया है सऊदी में या ओमान में या दुबई में कहीं पर भी, इसमें आप सर्च चले जाइए, आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, आप जल्द से जल्द मेरे ऑफिस पे विजिट कीजिए और मेडिकल कराइए और हम आपको 30 दिन के अंदर वीजा पासपोर्ट दे देंगे और आप चले जाओगे। और जैसे ही आप इनके ऑफिस पे जाते हो दोस्तों, और जैसे ही आप पासपोर्ट और पैसा इनके ऑफिस पे जमा कर देते हो ना, उसके बाद से आप एक महीना बाद इनके पास कॉल खुद करोगे और आप परेशान होगे और ये लोग आपके पास कॉल नहीं करेंगे, आप उल्टे इनके पास कॉल करोगे और बोलोगे सर मेरे वीजा का क्या हुआ, मेरा फ्लाइट का क्या हुआ, और ये लोग यही बोलेंगे सर आप ही का काम हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिए। और वेट करते करते दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आपका वीजा नहीं आएगा, फिर कोई सप्लाई का वीजा आएगा और उसमें आप लोग को ये लोग भेज देंगे, ये लोग बोलेंगे कंपनी में जाइए और आप जाकर वहां पे सऊदी में फंस जाओगे। इसलिए आप किसी भी ऑफिस से जा रहे हो पहले उस ऑफिस का डिटेल आप दो चार दिन यूट्यूब पर या गूगल में जाके देखिए क्या ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है कि नहीं करता है दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं अगर किसी भाई के साथ कोई ऑफिस वाला या कोई एजेंट अगर फ्रॉड किया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो बनाकर भेज सकते हो कि मैं उस ऑफिस वाले के बारे में मैं लोगों को बताऊं कि कम से कम आपके साथ फ्रॉड हो गया है और किसी भाई के साथ वो ऑफिस वाला फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों। और मैं बिना सबूत का किसी भी ऑफिस वाले के खिलाफ मैं आज तक वीडियो नहीं बनाया हूँ दोस्तों। और आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों कि आने वाला वक्त में कोई ऑफिस वाला या कोई एजेंट किसी भाई के साथ फॉरवर्ड ना कर पाए दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।